बिहार में इन दिनों बीपीएससी खासा चर्चा में है, जहां अभी प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता का मामला थमा ही नहीं था कि एक बार फिर बीपीएससी पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार वर्ष 2019 सहायक अभियंता बहाली को लेकर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 2019 में बीपीएससी द्वारा सहायक अभियंता की बहाली निकाली गई थी। वहीं जुलाई 2022 में अभ्यर्थियों का चयन कर सर्टिफिकेट का सत्यापन कर चयन प्रक्रिया को पूरी कर ली गई। हालांकि बीपीएससी द्वारा इसके बाद ही नियमावली में संशोधन कर दिया गया और उसे 2019 से लागू कर दिया गया, जिससे उक्त बहाली में चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। ये 2019 का अभियंता सेवा नियमावली के तहत सहायक अभियंता के 305 पद का परीक्षा लेकर रिजल्ट भी निकाल दिया गया और उसको भी ये लोग दायां बायां लटका रहे हैं। जो निर्णय हुआ है उसका भी आवेदन है जिसमें साफ कह रहा है कि संविदा कर्मियों को मामला को लेकर के ये लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। न्याय देना कानून का राज स्थापित करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, फिर इन लोगों को क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? बीपीएससी से इन लोगों की एग्जामिनेशन हुई थी, रिजल्ट निकला है, फिर आपकी मनसा क्यों है? क्या नौकरी के बदले जमीन दिखाने की फिर मनसा है? क्या ढालमेल आप यही लिए कर रहे हैं? जो एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी उस समय थी तो कम से कम ईमानदारी से नौकरी देने की बात पर जोर देता था। अब इन लोगों का जो निकला हुआ है उसमें क्यों आप दायां बायां कर रहे हैं? जमीन लेकर नौकरी देने की मनसा को सफल नहीं होने देंगे या भाई भतीजावाद करने का खेल खेलना चाहते हैं, इसलिए पुराने सारे रिजल्ट को रोकना चाहते हैं और सारे लोगों को बरगलाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय आप ही मुख्यमंत्री थे, सिद्धांत की बात और जमीर की बात करते थे, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, आपका जमीर कहां सो गया है? इस मामले पर आपको जवाब देना होगा, चुप्पी तोड़ना होगा। और अगर जो आप इतना कमजोर हो चुके हैं कि जो पूर्व की सरकार का दिया हुआ आश्वासन और बीपीएससी का रिजल्ट और निर्णय को आप लागू नहीं कर रहे हैं, तो कैसे लोग भरोसा करेगा कि आप इन लोगों को 20 लाख लोग को नौकरी देंगे? और 20 लाख के एवज में तहसीलदारी का अगर जो आप छूट देते हैं और भाई भतीजावाद को प्राथमिकता देते हैं, तो हम लोग मौन नहीं बैठने वाले हैं। विपक्ष पहले नहीं भूमिका निभाती थी, चुप मौन रहता था, इसलिए कभी कभी प्रशासनिक अराजकता फैल जाता था। लेकिन अब विपक्ष सजग है, आपके मौन को तोड़ेगा, सड़क से सदन तक पूरे मामला को हम लोग उठाएंगे। सर एक एक मामला जहानाबाद की है से आई है, ये जहानाबाद नहीं, हम लोग अपना लेते हैं। संख्या